हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा जो G6 पेट्रोल गाड़ी है उसका इंजेक्टर कैसे क्लीन करना है। तो बेसिकली हमें इंजेक्टर क्लीन करने का मतलब क्या है, गाड़ी की जो मिसिंग करती है, हम एक्सीलेटर करते गाड़ी बंद होने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम एक्सीलेटर क्लीन करते हैं इसका, ठीक है। तो एक्सीलेटर क्लीन करने के लिए, इंजेक्टर क्लीन करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आठ टी गोटी पाना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ आठ टी गोटी। तो ये देख सकते हैं आप, दो नल लगे हुए हैं। सबसे पहले लगी वायर लगी हुई है, पाइप लगी है, ये मेन इंजेक्टर, यहाँ से इंजन में पेट्रोल जाता है, ठीक है। ये आपका इंजेक्टर है, तो इसी क्या करना, सबसे पहले अपने वायर खोलनी इसकी, जिसे कपड़े खोल लेना इंजेक्टर का, ये खोल लेना, ध्यान रखना इसके तार वगैरह टूटे ना। तो ये जो पाइप है हमें खोलनी पेट्रोल की, इसकी पाइप जो मेन पाइप है, इसलिए पंप से यहाँ आती है। तो हमें खोलने के लिए सबसे पहले जो लाल कलर का लोग दिखाई दे रहे हैं आपको साइड पर, ये आपको दबाने होंगे, हम दोनों साइड होंगे, इन दोनों को आपस में दबाना है और पाइप को पीछे खींचना है। ये देखो पाइप को हमने पीछे खींचा और लॉक खुल गया इसका, इस साइड पर जो लाल लॉक है इन दोनों को दबा के हमें पीछे खींचना होता है पाइप को, फिर जो खुलती है। ये जो साइड पर लाल लॉक है इन्हें ऐसे पुश करना, फिर से उंगली से डाल के साइड पीछे खींचोगे तो ये खुल जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसके दो नट दिखाई दे रहे आपको, ये खोलने हैं। अभी ये आठ रुपये की टी गोटी है, उससे खोलने अपनी नट, ये देखिए नट पूरे खोल दिए हमने। ये देखिए नट खोल दिए हमने, और दूसरा नट भी खोल देना। नट खोलने के बाद ये देखिए इंजेक्टर जो आपका बाहर आ गया, ये देखिए इंजेक्टर बाहर आ गया आपका। अब इसकी कैप खोलनी है, फ्यूल कैप भी होती है, आपको खोलनी, थोड़ी ऐसे पकड़ना ग्रिप बना के, लेकिन हाथ और थंब बंद रखना, बाकी दो एक दो उंगली रखनी, ऐसे हिलाना थोड़ा सा। तो हिलाने के बाद क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा, देखिए ये आ गया बाहर। अभी आपकी पूरी कंप्लीट इंजेक्टर आ गई, ये उसकी फ्यूल कैप आ गई। तो इसे कुछ नहीं, इसे हमने पेट्रोल से ऐसे हिला के साफ कर देना। अब मेन चीज़ इंजेक्टर ये जो आपको स्प्रे करती है। अब इस इंजेक्टर के अंदर क्या होता है, शेज होते हैं, आप ध्यान से देख सकते हो, ये छोटा सा शेड है इसके अंदर, इसके अंदर फ्यूल स्प्रे होती है, और इस साइड में कचरा फंसा होता है इसका, जो इंजेक्टर का ये कचरा होता है इसके अंदर, इसके अंदर दिखने अभी पर इसके अंदर कचरा है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर कचरा जो साफ करना होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेट्रोल थोड़ा लेंगे, इस गाड़ी में से निकालेंगे, तो फिर से धोएंगे, और साथ में हम फिर इसके अंदर एयर का प्रेशर मारेंगे, एयर के प्रेशर से साफ हो जाएगी पूरी तरह से। तो फिर करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो आपने क्या करना है, इसके बॉटल के अंदर कैप डालनी है, पाइप आगे से चाबी ऑन करनी है, तो इसमें से फ्यूल आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए फ्यूल आ रहा है, एक दो बार आपने चाबी आगे से ऑन ऑफ करनी है, इसमें थोड़ा तेल आएगा। अब देखिए तेल आ गया, कम से कम आपने आधा लीटर तेल निकालना है। तो तेल निकालने के बाद क्या करना है, अपने इंजेक्टर साफ करनी है। अभी हम तेल निकाल लिया, अभी पूरा आधा लीटर हो चुका है, ये हम इंजेक्टर धोएंगे अभी। अब देख सकते हैं इसे क्लीन करना, हमने प्रेशर मारना है इसके अंदर, तेल लगा के साफ कर देना, साफ होगा। मेन चीज़ ये है, हमें पेट्रोल में डुबोना है, इसे हिलाना है, इस शेक के अंदर थोड़ा पेट्रोल डालना है, शेक करना है। वही देखिए अब करना है, अब क्या करना है, हमने इन दोनों को एयर मारनी है, एयर प्रेशर मारना है, फिर जाकर साफ कर दे, फिर वापस फिट कर देनी हमने। आप देख सकते हो एयर प्रेशर साफ करने में, जैसे कच्चा तेल निकल आया, यहाँ पे जाना है इंजेक्टर आगे पीछे पूरी साफ कर देनी है, ये करना जो डस्ट है उसके अंदर बाहर आएगी, कच्चा जो होगा बाहर आएगा। बस अब जैसे हो गया क्लीन, अब हम वापस फिट करेंगे इस सैंपल से। अब इंजेक्टर साफ हो चुके हैं, साफ करने के बाद उसकी जो ओरिंग होती है साइड पे, इसे आपने क्या करना, थोड़ा इंजन ऑयल लगाना ताकि ये स्लिपरी हो जाए थोड़ी, और ये जो फ्यूल कैप इसके ऊपर फिट बैठ जाए। तो हमने क्या करना, ऑयल लगा लिया वैसे वैन ने, तो आपने क्या करना, इसे प्रेस करना ऐसे, तो आराम से इसके अंदर फीडबैक बैठ गया। तो दोबारा बताता हूँ आपको, देखिए सिंपली ऐसे करने, थंब यहाँ पे रखना दो फिंगर ऊपर, और पुश करना आपस में, ये बैठ गई है। बैठने वाला कहना आपने वापस फिट कर देनी, और फिट करने से पहले ध्यान रखना, इसके नीचे एक ओरिंग होती है, सील होती है इसकी, जिससे आवाज़ सीसी की आवाज़ आती है, कंप्रेशर बाहर नहीं आएगी इसकी वजह से, इसका ध्यान रखना, ये लगी होनी चाहिए इसके अंदर। लगाने के बाद क्या करना, आपने फिट कर देनी है। तो ये फिट करना हमने, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कैप लगाएंगे, जो सेफ्टी लोग है इसका लगा देंगे, और ऊपर नट लगाएंगे।
लगाने हैं और टाइट करने हैं। ध्यान रखना नट सही से लगे, टेढ़ा नट नहीं चलना चाहिए वरना नट स्लिप हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। नट चला देने पूरे, अब ठीक और से टाइट कर देना आपने नट को। नट अच्छे से टाइट हो गया, चेक कर लेना नट लूज नहीं होना चाहिए। जब नट टाइट हो जाए ये इसकी जो इंजेक्टर कपड़ा था वो वापस लगा देना है, फिर लगा दिया और इस पाइप को वापस फिट कर देना हमने। तो पाइप थोड़ा नीचे करेंगे फिट कर देंगे और प्रेशर करना थोड़ा आगे पुश करना हमने थोड़ा, ये होगी पुश होगी लॉक होगी। और इंजेक्टर कपड़े को खोलने का तरीका बता दूँ, ऐसे जबरदस्ती मत करना, इसके नीचे एक लॉक होता है आपने कहना है साइड पे इसे लॉक जो होगा ना इसे पुश करना है तो फिर जाकर कपड़ा खुलेगा, ऐसे नहीं खुलेगा जबरदस्ती मत करना वरना वायर टूट सकती है इसकी। तो हम क्या करेंगे गाइस स्टार्ट करेंगे और चाबी सबसे पहले एक दो बार ऑन करेंगे ऑफ करेंगे ठीक है, ताकि फ्यूल पाइप में फ्यूल चल जाए। जाने वाले हम क्या सेल्फ मारेंगे तो गाइड लंबा सेल्फ उठाएगी, अब जैसे तो गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। जैसा होता है बिल्कुल इसी सेम तरीके से अपने गाड़ी इंजेक्टर क्लीन करना है, बाकी और तरीका कोई यूज़ मत करना। और गाइस सबसे पहले बता दूँ जो बंदे मेरे चैनल पे नए आए पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व्यू कर देना, और जिनको मतलब कोई प्रॉब्लम आती है ऑटो के रिलेटेड तो वीडियो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, मैं आपको वीडियो सोल्यूशन दे दूँगा। और प्लस मेरी वीडियो बाकी भी डालूंगी, मेरी बाकी वीडियो सर्विस कैसे करनी है कुछ और फॉल्ट रहता है गाड़ी में तो उसके लिए भी डालूंगा, गाड़ी स्टार्ट ना हो कुछ भी हो मैंने वीडियोज़ बनाई हुई है तो मेरी बाकी वीडियो भी चेक कर लेना एक बार। तो अलविदा गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अभी।